नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा है आज भारत का नहीं, बांग्लादेश का। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया है। चार बार प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, इस समय बड़ी मुसीबत में फंस गई है और उनको देश छोड़ना पड़ा है। क्या है पूरा इसका राजनीतिक विरोध, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसका असर हमारे देश पर कितना पड़ेगा और बांग्लादेश की जो तख्ता पलट हुई है उसका असर और जगहों पर कहाँ कहाँ पड़ेगा और बांग्लादेश का जो स्थिति है किस तरह का है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में है तत्ते साहब हैं और दयानंद नेने जी भी हैं। हम सवाल यही करेंगे कि बांग्लादेश का जो स्थिति बनी हुई है, क्यों बनी हुई है इस तरह का, क्या ऐसा चीज़ होगी कि चार बार प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को जो है जबरदस्ती वहाँ से हटाया गया। सर, पहले आपसे मैं पूछूंगा कि बांग्लादेश का जो स्थिति इसमें चल रही है, एक आरक्षण को लेकर, ये भी आरक्षण को लेकर जो इस तरफ बवाल हुई है, एक तरफ तो भारत हमारे देश में आरक्षण चाहिए, वहां पर आरक्षण निकालने के लिए जाने की जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके परिवार को 30% आरक्षण देने का जो निर्णय है उसको रद्द करने तक लाया था नीचे, हाँ फिर भी माने नहीं लोग जी, तो आरक्षण रद्द करने के लिए ही पूरा ये पूरा गेम हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि जो बनी हुई जो स्थिति है, ये हालांकि स्टूडेंट मोर्चा ने संभाला ये पूरा मैटर को, लेकिन इसमें क्या पॉलिटिक्स लग रहा है आपको? देखिए सर, थोड़ा घटनाक्रम भी बताइए। बांग्लादेश में जब शेख हसीना 2009 में जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी चुन के आके, तब उसने उनका जो स्वातंत्र समर जिसे कहते हैं, स्वातंत्र संग्राम जिसे कहते हैं, तो उस वक्त मुक्ति वाहिनी करके जो वाहिनी थी, उनकी आर्मी थी जो स्वातंत्र के लिए लड़ी थी जी, सैनिक थे वो, 1971 में लड़े थे, तो उनके जो अभी मतलब पोते या जो भी उनकी फैमिली वंशज, हाँ, तो उनके वंशज, उनके लिए उस वक्त बांग्लादेश में जो आरक्षण था 56% आरक्षण गवर्नमेंट जॉब्स में है, तो उस 56% में 30% आरक्षण उन्होंने रिजर्व किया मुक्ति वाहिनी में, जो बांग्लादेश के स्वातंत्र सैनिक थे उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके जो रिलेशंस हैं, उन सब के लिए उन्होंने वो 30% आरक्षण तय किया। अभी 71 में बांग्लादेश की निर्माण हुआ, अभी हम हैं 2024 में, 50 साल से ज़्यादा हो गए, तो ये जो पीढ़ी 2000 साल के बाद में जो आई है, तो और बांग्लादेश में भी जैसे अब भारत में जो स्थिति है बेरोजगारी है, तो बांग्लादेश में भी बेरोजगारी ज़्यादा ही है वहाँ पर, तो वो लोगों में बहुत ही अस्वस्थता थी कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही है और आप लोग स्वातंत्र 50 साल इन्होंने कुछ किया, हाँ उनके परिवारों के लिए आरक्षित करते हो जगह। अच्छा, बहुत बार वो आरक्षण भरता भी नहीं था जी, वो ऐसे ही रखते थे वो लोग, और बाकी लोग बेरोजगार, इनका आरक्षण ऐसे फुकट जा रहा है, तो उसकी वजह से उनमें एक अस्वस्थता बढ़ती गई और उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा इस बार। जब वो तीसरी बार चौथी बार चुन के आई वो प्रचंड बहुमत से चुन के आई जी, और जो उसके विरोधक है उन्होंने आरोप लगाए कि इसने सारे विरोधकों को जेल में डाल दिया, जैसे पुतिन ने रशिया में किया था, और वो खुद चुन के आई जी, तो उसका जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह था ही। फिर ये आरक्षण, और उन्होंने पहले दिन से कहा कि ये आरक्षण जो है वो निकाल डालो, तो आप भारत का आरक्षण और वो आरक्षण कंपेयर मत करो, भारत का आरक्षण अलग बात है जी, क्योंकि भारत का आरक्षण का जो विषय ज्यादा चल रहा है वो एजुकेशनल आरक्षण के ऊपर चल रहा है ज्यादा, और फिर अभी मराठा लोगों ने वो एजुकेशन और नौकरी वो दोनों में मिक्स किया है, हाँ, और इशू पॉलिटिकल ज्यादा है, पर भारत में फिर भी एक प्रकार का बैलेंस है, भले ये पॉपकॉर्न जैसे आदि आंदोलन होते रहते हैं, मतलब गुजरात में हुआ, फिर राजस्थान में हुआ, हरियाणा में हुआ, अभी महाराष्ट्र में ही चल रहा है। उधर जो आरक्षण था उधर ये लोग बोल रहे थे कि जब तक हम देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता तब तक ये परिवारों के लिए जो आरक्षण आपने रखा है वो निकाल डालो जी, तो उनको मान्यता उसने थोड़ी सी दी, उसने वो 30% से 60% तक नीचे लाई, 7% तक, हाँ ये 15-20 दिन पहले की लाई, पर इनको ये कोई मान्य नहीं, हाँ वो बोले कि वो आरक्षण निकाल ही डालो, लेट देयर बी लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए एक सरीका न्याय, और 56% आरक्षण है उसमें वो ले सकते हैं, तो वो जब उसने माना नहीं,
तो इन्होंने आंदोलन थोड़ा उनका ज्यादा आक्रामक हो गया और लोकल पुलिस जो थी उनके हाथ से कंट्रोल निकल गया जी। और लास्ट एक हफ्ता तक बांग्लादेश में लगभग फ्री फॉर ऑल जैसे माहौल था। आज सवेरे ये लोग उसका जो क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस है जी निवास वहां के गेट तक पहुंचे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि दोपहर तक इसने अगर पदत्याग नहीं किया तो फिर हम अंदर घुसेंगे और फिर क्या होगा इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। फिर जो चीज़ अब जानकारी पूरी नहीं मिल रही है, बांग्लादेश में इंटरनेट सेवा बंद की गई है तो सारी जानकारी वहाँ से नहीं आ रही है, वो वाया लंदन वगैरह ऐसे घूम के जानकारी मिल रही है। तो जो जानकारी मिल रही है वो आर्मी ने भारतीय सरकार के साथ बातचीत करके उनको बांग्लादेश से सुरक्षित बाहर निकालने का एक वाया मीडिया अगरतला से और फिर हाँ दिल्ली से अभी लंदन जा रही है। तो ऐसा जो है वैसे हुआ है, ये बांग्लादेश की आज की जो मौजूदा स्थिति। आर्मी चीफ जो है वकार जमान, उन्होंने तो सीधा ऐलान कर दिया है कि हाँ इसका शेख हसीना का बहन ही है जी जी, उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि हम जो सर अब जो आर्मी जो है सरकार बनाएगी नहीं और, आर्मी हाँ, नहीं बनाएगी आर्मी नहीं बनाएगी नहीं बनाएगी नहीं अभी देखा मैंने नहीं उसने सारे विरोधी पक्षों को साथ में लेके हम एक साझा सरकार बनाएंगे जी, साझा इंटरिम सरकार और वो आरक्षण पूरी तरह से जो जो मांग है उनकी उस पर पूरा जो है अमल करेंगे। नहीं नहीं ऐसे जो अभी तक जो जानकारी आई है वो ऐसे है कि फर्स्ट स्टेप हम एक साझा सरकार बनाएंगे अंतरिम सरकार सभी पार्टियों के ये करके, मतलब मिलिट्री सरकार नहीं, मिलिट्री सरकार नहीं रहेगी, हम मार्शल लॉ नहीं लाना चाहते हैं और वो जो सरकार होगी वो इसके ऊपर फैसला लेगी क्या करना है क्या नहीं करना है उनको। हालांकि जैसी स्थिति है वो नॉर्मल करने के लिए उनको आरक्षण रद्द करना भी पड़ेगा, रद्द करना ही पड़ेगा उसका दूसरा, क्योंकि अभी 7% ही बचा है तो 7% रद्द करने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मोदी 50% के आगे उनके हाथ में है, केंद्र हम बोलते हैं ना कि केंद्र सरकार के हाथ में है, वो 70% कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मोदी की ये क्या बोलते हैं समयज्ञता है कि उनको मालूम है कि 50% के आगे जिस दिन केंद्र सरकार लेके जाएगी तो ऑलरेडी 60% तक तो इकोनॉमिक इससे पहुंच ही गया है, तो देश में बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश तो अभी हुआ मगर उनको पहले से मतलब बाकी 50% लोग है वो रास्ते पे आएंगे जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला, तो देश में तो हालत ऐसी हो जाएगी कि इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी करेंगे नहीं अभी, अभी तो मामला खत्म ही हुआ है 70% होएगा सर। लेकिन अभी यंग जनरेशन देखा जाए तो पहले श्रीलंका में देखा आपने, श्रीलंका और भी कंट्रीज में देखिए जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस पे आरक्षण किसी न किसी मुद्दे पर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के हाउस पे अटैक किया जा रहा है, तख्तापलट की जा रही है, मतलब कि पुलिस भाग गई यहां पे। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये 2000 के बाद जो यंग जनरेशन है उनको क्या लगता है कि ये राजनीति मतलब कंट्रोल, पहले भी लोग भागे हैं भागे हैं में तो हर एक बाद में भागा है, भूत तो वहां पे था लंदन में, वो पागल आ गया फिर से लड़ने के लिए करके उसको फांसी दी गई, और जो जो हुकुमशाह हुए वो सब उधर ही गए। तुम्हारा ईरान का शाह था वो पेरिस गया, उसको भी भगा दिया था, कोमेनी को भी पेरिस में ही रखा था कितने सालों से, हम दलाई लामा को भी अभी तक हमारे यहाँ रखे हैं तिब्बत का जी आश्रय देके, और वो चीन बोमबलता रहता है हमेशा कि ये हमारा बागी है, तो ये परंपरा पूरी है। और ये अभी आप तो घर में घुसने की बात कर रहे हैं, मुजीबुर रहमान जैसे राष्ट्रपिता को उन्होंने तो पूरा फैमिली मार दिया था मिलिट्री रिवॉल्यूशन में, इससे कितना लोगों का भाई और माँ पिता के ये लंदन में जी करके बच गई, तो ये भी मर जाती और फिर लंदन से वो भारत में आई और 1981 तक भारत में रहती थी वो जी, फिर बांग्लादेश वापस। और राष्ट्रपिता को मारने की परंपरा सर सिर्फ पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं है, भारत में भी हुआ। सर इसका असर क्या होगा हमारे देश पर, क्योंकि बांग्लादेश काफी जो है रेडीमेड गारमेंट के ऊपर काफी इसमें डेवलप हो रहा था, इसमें एशिया का नंबर वन बना हुआ था गारमेंट फैक्ट्री, तो इस हिसाब से जिस तरह से ये हिंसा हुई तख्ता पलट हुई तो क्या इससे देश में सुधार होगा कि अपने उसका असर हमारे देश में क्या पड़ सकता है? सर एक महीना भर ये चलेगा जी सेटल होने को, बाद में लोग भूल जाएंगे, एक बार वो आरक्षण निकाल दिया तो मामला ठंडा हो जाएगा, फिर एक महीने के बाद कपड़ा बिपड़ा उनको भी जीना है, रोजगार है उनका, इसको भगाना था 15 साल की वजह से वो ये हो गए थे, उसको निकालने के तुले थे,
बहुमत तो दिया उनको मगर निकाल दिया अभी, वो मामला खत्म हो गया, एक महीना भर में खत्म। लेकिन जब प्रधानमंत्री अपना मर्जी से मतलब तो चुन के नहीं आता है, पब्लिक ही चुन के देती है, तो चार चार बार चुन के क्यों दिया फिर, तो हरा देना चाहिए था टाइम पे। ये चार दो बार 300 के आगे जाने वाले मोदी जी को तो 240 पे आला के रख दिया ना देश ने जी। तो मोदी जी को अगर 240 ऐसे ही बांग्लादेश में भी हो सकता था, दूसरी बार वहां भी है ना सर। कैसे है ना, आप क्या परमानेंटली पसंद होते क्या? चार बार हमने चुन के दिया तुमको, अभी नहीं पसंद। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का युद्ध जीता, ये, ये, का, नहीं, इसका रास्ता नहीं, नहीं, इसका रास्ता क्या हिंसा ही है? चुनाव में दिखाइए ना आप उनको, अगर नहीं समझ चुनाव में, चुनाव में तो वो चुन के आई, तो ही बोल रहा हूँ ना, चुनाव में चुनकी कैसे आती है जब। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बांग्लादेश में ये जो अभी चुन के आई उसके ऊपर ही लोगों का आक्षेप था कि उसने पूरा चुनाव रिग किया और वो चुन के आई। सर उसकी वो उसकी पॉपुलैरिटी थी ऐसे नहीं, खेल में है उसके अपोनेंट्स, अपोनेंट्स को अपने सभी को अपोनेंट, हाँ अभी है, अभी छूटेंगे। उन्होंने अपने राजकीय विरोधकों को जेल में डाल के कुछ चुन के आए, सब कुछ है, सीबीआई है, सब है, तो हर जगह होगा नहीं। दूसरी बात तो दूसरी बात तो ईडी रहेगी। दूसरी बात ऐसा है, भारत की बांग्लादेश के साथ तुलना नहीं हो सकती। बांग्लादेश की तुलना करनी है तो पाकिस्तान से करो, बांग्लादेश की तुलना करनी है तो अफगानिस्तान से करो। यहाँ पर मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाके बोलता हूँ, भारत हिंदू देश है जी, हिंदू सहिष्णु है, तो हिंदू देश में हिंदू सहिष्णु होने के कारण बगावत जो होती है वो इतनी सीवियर लेवल पर नहीं जाएगी, नहीं जाती है, नहीं गई है पहले। वहाँ पर क्या होता है, मिलिटेंटी होते हैं वो लोग। सर स्वातंत्र अपना जो आंदोलन हुआ 1947 से पहले, जिन्होंने लड़ा वो तो चंद्र बाबू से लेके सावरकर से लेके सब कुछ, वहां हिंसा करने वाले हिंदू ही थे, और करनी जरूरी थी सर, माने ना इंग्रज अधिकारी। नहीं वो अलग बात थी, यहाँ पे हिंसा हिंदू करते नहीं, आपको किसने बोला? जहां जरूरत है वहां करते, ऐसे समझो, ऐसा बोलो, वो ठीक है, मतलब जहां जरूरत है वो कर रहे सर। नहीं तो मुगल राजाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज इतना हैरान नहीं करते थे। नहीं, पर वो मैं हिंसा नहीं कहूंगा, वो तो तुम्हारा स्वातंत्र्य समर है ना, सर इनका भी स्वातंत्र्य समर ही है ना। बांग्लादेश फ्री ही हुआ है हिंसा के साथ, बांग्लादेश में अगर सेना घुसी नहीं थी भारतीय सेना उनकी वाहिनी के नाम पे, तो स्वतंत्र होता ही नहीं था पाकिस्तान। सही बात है, वो तो है। तो वो हिंसा के कारण वो नियाजी ने शरणागति पत्करी ना 90,000 लोगों के साथ, तो हिंसा के कारण ही पत्करी। तो ये सीधा है बात, हिंसा के बिना नहीं होता है स्वतंत्रता। तो अभी इनका ज्यादा हो गया तो हिंसा कर दी उन्होंने। इसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी आगे, कुछ इसमें आक्षेप करेगी कर सकते हैं कुछ? भारत की भूमिका मैं बोलता हूँ अभी बात करने से, क्योंकि आज ही घटना घटी है जी, हम ये न्यूज को ट्रैक करेंगे और चाहे तो कल या परसों जैसे ही ज्यादा जानकारी आएगी तब उसके ऊपर चर्चा करें। क्योंकि क्या लगता है आपको, मैं सर चीन बैठा है, चीन ने ऑलरेडी चिटगांव पे कब्जा किया है, म्यांमार पे कब्जा किया है, नेपाल पे कब्जा किया है, चिटगांव का जो उनका बंदर है टारगेट पे रखा है एकदम। नहीं, बांग्लादेश का चिटगांव बंदर है जो सबसे बड़ा बंदर, वो चीन के हाथ में है, हाथ में है, और वहां से वो पूरा बे ऑफ बंगाल कंट्रोल करता है। अभी मालदीव भी उसके हाथ में गया, भारत के दोस्त ही नहीं है अभी कोई आसपास में जी, अपना दोस्त दूर बैठा है उधर, एक तो रशिया है नहीं तो अमेरिका है, दूसरा इजराइल। इजराइल खुद मुसीबत में है, इजराइल तो अभी छोड़ो बात, वो खुद जैसी मुसीबत में फंसा है उसका कोई तुलना नहीं है। मगर ये जो है सर, हम लोग कुछ दिन तक तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, लोकशाही चलनी चाहिए ऐसा बिल्कुल जनरल विधान मैं अभी कर देता हूँ। नहीं, और भारतीय सरकार उसके ऊपर क्या असल में हुआ है उसके ऊपर एक भारतीय सरकार जब जानकारी देगी तब अपने को क्लैरिटी आएगी कि क्या बांग्लादेश में असल में हुआ था, भारतीय सरकार का कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट था, है या रहेगा। वो बताएंगे नहीं कभी, नहीं अभी आजकल में उनको स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट देंगे, उनका स्टेटमेंट मैं अभी लिखता हूँ कि बांग्लादेश मधील लोकशाही मूल्यांची बूज राखावी, हिंसाचार शांत व्हावा आणि आमचे त्यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत ते कायम राहावेत, ही तीन वाक्य असणार। बाकी काय बोलणार ते बरोबर आहे, दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत याच्यामध्ये आपण पडू शकत नाही, आपण त्यांना घालवलं हे चांगलं झालं का वाईट झालं बोलू शकत नाही, बरोबर आहे। आपण फक्त लोकशाही मूल्यांची लोकशाही कायम राहावी आणि हा हिंसाचार थांबावा एवढीच आमची इच्छा आहे, एवढंच बोलू शकतो आणि तेवढंच बोलणार, बरोबर आहे। तो वो भी अगर गेली का आली याच्यावर पण नाही बोलू शकत,
नहीं बराबर है, पर अगर जो वो हिंदुस्तान मुजीबुरला मारून सत्ता आली याची कोण तुम्ही सांगितलं याया ना काय नाही झियाउर रहमान भारताने थोडं त्याचा निषेध केला किंवा त्याला हे केलं, लगेच आपले त्यांच्या सरकारशी संबंध झाले ना व्यवस्थित. सरकार सरकार होती है, उनको पर्सनली ये व्यक्ति है क्या वो व्यक्ति है इसमें कोई ये नहीं देता है. अभी अफगानिस्तान में अमेरिका गई, रशिया गई, अभी तालिबानी आ गई, नहीं 8 दिन में हमारी उनकी दोस्ती भी हो गई. तो पाकिस्तान करने नहीं देता है, करके नहीं तो हम उससे भी दोस्ती करते हैं. अभी चीन भी हम जाके मिलते हैं ना उनको, उन्होंने इतना प्रदेश अपना लिया हुआ है, फिर भी उनकी बातचीत चलती रहती है. उनका मेन मार्केट हम ही है. बिल्कुल 90% अपनी वस्तु अभी उनकी, क्योंकि 140 स्कीम में भाई 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश कोई मिलेगा नहीं उनको बाजू में, इतना बड़ा मार्केट मिलेगा नहीं. जी नहीं, इसमें एक ही है, वहां पे खालिदा जिया जो जियाउर रहमान की पत्नी थी और इसके पहले पंतप्रधान थी, वो अगर आ गई सत्ता में वापस तो भारत के लिए धोखा सीन लगता है, क्योंकि उसकी इस्लामिक पार्टी जो है कट्टर तालिबानी टाइप है. हाँ, तो कट्टर इस्लामिक पार्टी है, लोकल हिंदुओं को ऑलरेडी उनके ऊपर अत्याचार और उनको मारना, 1 लाख हिंदू मारे गए चालू किया है. हिंदुत्ववाद की बात करते हैं ना, तो हिंदुत्ववादी सरकार जो केंद्र में है, 1 लाख हिंदू मारे गए उधर बांग्लादेश में पिछले 8 दिन में. अभी वो वही मारे जा रहे हैं, वही बांग्लादेश में आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं. अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे बाहर जो हिंदू है उनको बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, हमारी मिलिट्री नहीं भेज सकते, मर्यादा है. खैर, मुझे एक मैसेज आया है जी, तो वो मैं पढ़ता हूँ सबके लिए. द वर्स्ट हैज नॉट येट हैपन्ड. हिंदूज इन बांग्लादेश हैव ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद आवामी लीग एंड विद हसीना. BNP वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो अभी वो नया नाम है उनका, खालिदा जिया की पार्टी का, और जमात इस्लामी विल नॉट स्पेयर एनी चांस टू टारगेट हिंदूज. फॉर नाउ एवरी आवामी लीग पार्टी मैन एंड हिंदूज विल बी टारगेट ऑफ दीज रेडिकल्स. तो वहां के जो हिंदू है उनके लिए प्रार्थना करो, हो सकता है तो उनको भारत में लेके आओ जितना जल्दी आए. उन तो बांग्लादेशी लोग घुस रहे करके मत कहो, जहां तक वो बांग्लादेशी हिंदू है तो ये हमने ये प्रोविजन की है हमारे यहाँ. इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेश मुस्लिम जब यहाँ रह सकते हैं तो क्या हिंदू क्यों नहीं रह सकते. सर 1 करोड़ हमने पहले संभाला है ना. हाँ, संभाला है ना. सर तमिलनाडु से आते थे ना तमिल. सर रोहिंग्या लोग आगे बढ़ गए, बांग्लादेशी भी अभी आ रहे हैं. देखो अभी दूसरा मैसेज आया है, पाकिस्तानी नहीं है क्या, पाकिस्तानी भी सवाल है. दूसरा वही मैसेज आया है, प्रे फॉर बांग्लादेशी हिंदूज प्लीज, हसीना वाज देयर लास्ट शील्ड. मतलब शेख हसीना उनके लिए जो ढाल थी वो हिंदू निकल गए, वो लास्ट ढाल थी वो अभी चली गई. सर अभी हिंदुओं की कत्ल जैसे पाकिस्तान भारत की डिविजन हुई पानी तब जैसे हुए थे वैसा बांग्लादेश में हो सकता है. तो अपने को उनको लेना चाहिए, सबको मामला गंभीर है, इसको भारत को भी थोड़ा सा मिलके सॉर्ट आउट करना चाहिए. इसलिए कहता हूँ भारत सरकार अपनी भूमिका जब तक स्पष्ट नहीं करती तो तब तक लेके अपन रुके कितना करेगी सर. वो बांग्लादेशी जो आएंगे उनको संभाल लेंगे. ममता ने ऑलरेडी बोल दिया है कि इनको हम ले लेंगे पैसे. इसमें 1 करोड़ लोग लेना छोटी बात नहीं है. अब वो फैल जाएंगे पूरे 7 राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के उसमें, और इसमें फैल जाएंगे वो 1 करोड़ लोग. अभी हम लोग आसाम में बोल रहे कि ये रोहिंग्या आ रहे हैं, ये मुसलमान आ रहे हैं, हिंदू आएंगे तो उनको कैसे ना बोलेंगे. बिल्कुल भी एक अलग होगा मामला. एनआरसी और उनके साथ हिंदू मुसलमान भी आ सकते हैं ना, वो बोलेंगे हमको भी तकलीफ दे रहे क्योंकि हम आवामी लीग के. एनआरसी लॉ था वो इसी लिए. आवामी लीग के भी मुसलमान होंगे ना बड़ी संख्या में, हसीना थोड़ी हिंदू है. बांग्लादेशी मुसलमानों को भेजो वहां पर वापस, जहां से आए थे बांग्लादेश भेजो वापस, उनका जगह खाली हो गया है, जाइए. सर वहां यहाँ पे काम कौन करेगा भी? वो अलग बात. फ्रांस में अभी कल हमें बात कर रहे थे, फ्रांस में जब आजू बाजू के सीरिया वगैरह के निर्वासित आ गए तो पहले उनको मना कर रहे थे, बाद में फ्रांस के जो आलिशान लोग है हाईफाई उन्होंने सोचा सस्ते में अपने को लेबर मिल रहा है आने दो, तो सरकार ने बोला ठीक है आओ. तो चारों ओर से सीरिया से लेके सब लेबनान से लेके सब आ गए, नहीं आ गए. और वो अभी 60% हो गए और 40% फ्रांस वाले हो गए. अभी इलेक्शन में उनका आदमी आ गया, मेयर भी मुसलमान है. और अभी यही हालत ब्रिटेन की ओर है, ब्रिटेन का एक एरिया है परसों उसका, तो यही हालत अपने देश का भी हो जाएगा. हजारों हिंदुओं को मार दिया उन्होंने सर, यही हालत अपने देश का भी होने वाला है. होने वाला है ना, अभी 2050 तक हम वही जाएंगे. खैर मोदी है
करके थोड़ा सा लंबा खींचा है। हाँ, उसके पहले तो हो गया, अभी आने दो इंडिया सर, इंडी सरकार को, फिर क्या ये पाकिस्तान आधा बन नहीं जाएगा। ठीक है सर, देखते हैं बाकी कम फ्यूचर क्या है, तो अलग बात है, चर्चा का विषय है। फिलहाल अभी बांग्लादेश में हम जो स्थिति है, परिस्थिति है, उस पर हम नजर रखे हुए हैं, और नजर रखने के सिवाय भारत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, हम तो क्या करेंगे। तो चर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।